This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. PS Limits Mustafa Nagar में एक खातून की suspicious circumstances में उनका मौत हुआ. उस लेडी का नाम है शरीन फातिमा, 32 years old, वही मुस्तफ़ा नगर में रहती है. वो फंक्शंस में गाना गाना और डांस करके जीती है. उनके पहले हस्बैंड का इंतकाल हो गया और उनके बच्चे भी हैं और एक आदमी से वो लिव इन रिलेशनशिप में है, मोहम्मद अफसार, कैब ड्राइवर, चंचलगुड़ा का रहने वाला. और इन दोनों में बहुत दिन से थोड़ा झगड़ा भी हो रहे थे. वो उसको शादी करने के लिए उनको प्रेजराइज कर रही है, वो इनकार कर रहा है. सैटरडे नाइट को लंगर हाउस में एक फंक्शन में गाना गाने के लिए गई. वहाँ से ये अफसार और उनका दोस्त नायन दोनों लेडी को वहाँ से पिकअप करके मुस्तफ़ा नगर में लाए और रात को दोनों के बीच में झगड़ा हुए. इनका मेन एक है कि वो लड़की को वो गाना और नाचना वो छोड़ने का इनका इरादा है नहीं, लेकिन वो मना कर दी. और दूसरा उनका सस्पिशन भी है कि उसको औरों के साथ भी कुछ रिलेशनशिप है. और इनका लेडी का है कि वो उसे शादी करे, तो इसमें डिफरेंसेस आए इनके बीच में. और उस दिन रात को वो पी के शराब की नशे में उनको गला दबा के पहले बेहोश हो गए. उसके बाद उसको फ्रेंड है जो दोस्त बाहर नहाए थे उनको भी बुला के और उसकी चुन्नी से गले में डाल के उसको कत्ल किया. इसमें दोनों को गिरफ्तार किए और अभी अदालत में पेश करेंगे. सर, कुछ महीने पहले छतरीनागा पुलिस स्टेशन में पीएस में और डबिलपुरा पीएस में लेडी कंप्लेंट कराई थी, तो वहाँ पर एक्शन लेते तो क्या ये नहीं हो सकता था? वो स्पेसिफिक आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई डिडंट अंडरस्टैंड. इनके मदर बोल रहे थे कि सुबह 10 बजे गए थे सामान जमाने के लिए, फिर शाम में 6 बजे. नहीं, पहले दूसरी डिफरेंट लाइन बताई, लेकिन जब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो बताया कि वो नाइट में वहाँ से फंक्शन हॉल से वहाँ ले गए. सेकेंड हस्बैंड का इंतकाल हुआ. सर, वो बॉडी जिस वक्त मिली उस वक्त ऐसा लगता है कि जो दोनों ड्रिंक करे हुए हैं और साथ में जो नाही जो उसका फ्रेंड है, तो उस टाइम कुछ ऐसा सस्पेंस के बाद हुआ सर? ये समझा नहीं सर. वो पर्सन है वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं. दोनों लिव इन में है बहुत दिन से. उनका दोनों इसका 5 महीने का एक बच्चा है इन्हीं के साथ. वो बच्चा का पैदाइश भी हुई, हो सकता है. उसमें कोई शक की बात नहीं है. रेप नहीं हो सकता. हाँ, दोनों साथ साथ रह रहे हैं. रेप नहीं, इनका शादी करने का इरादा था. वो इस केस में इस इश्यू में वो वहाँ कंप्लेंट दी. सर, मेन मोटिव ऑफ मर्डर क्या है? मर्डर वही उनका, दोनों बीच में झगड़े हुए और वो बोल रहा कि वो ये गाना और नाचना छोड़ दे और ये बोल रहे शादी करो और ये दूसरों का साथ उसका एफआईआर है कि ये बोल रहा है मना कर रहे. ऐसा झगड़ा हो गया, पिया हुआ है इसलिए. सर, ये गांजे के नशा करने के बाद में लोग, कई जो गांजा नशा करने वाले थे वो शराब की तरफ मुतासर हो रहे हैं, तो शराब के ऊपर भी कई, शराब की वजह से कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई हादसे ऐसे हो रहे हैं, तो शराब के ऊपर भी पुलिस क्या एक्शन लेंगे ऐसा? भाई, अभी तक तो शराब इट इज़ लीगल है. इसमें दोनों को गांजा और शराब दोनों बहुत फ़र्क है. नहीं सर, दोनों डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है, दोनों को मिला के बात नहीं कर सकते दोनों. Hyderabad International School, CBSE plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags, locker for every student, personality development through life skills,
physical fitness and sports. Transport facility available. Hyderabad International School. Branches at Mogalpura, Khilwat and Chadarghat.